नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज हम लोग बनाएंगे पुदीने का पाउडर, जिसे कि हम 6 से 7 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, और उसी पुदीने के पाउडर से हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी रायता। सबसे पहले हम हरे पुदीने के पत्तों को छांट करके बिल्कुल अच्छे से धो लेंगे, और धोने के बाद किसी सूती कपड़े पर फैला करके धूप में 2 घंटे तक यूं ही छोड़ देंगे, जिससे कि सभी पुदीने की पत्ती से पानी और नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कुछ पत्ते धूप में रखने पे ही काले हो जाएंगे और बाकी वैसे ही हरे रहेंगे। तो अब इन सूखे हुए पत्तों को हम एक फ्राइंग पैन में डाल करके इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पैन थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और उसमें ये पुदीने के पत्तों को, जिन्हें हमने 2 घंटे तक धूप में फैला लिया था, डालेंगे, और अब मीडियम फ्लेम पर इसे हल्के से रोस्ट करते जाएंगे। ड्राई रोस्ट करना है हमें, और तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे पूरी तरीके से रोस्ट होने में। ये देखिए, पहले पत्ते धीरे धीरे डार्क कलर के होते जाएंगे और फिर सूख करके बिल्कुल क्रिस्प हो जाएंगे। ये देखिए, 4 से 5 मिनट भूनने के बाद देखिए ये किस तरीके से धीरे धीरे ये सूखते जाएंगे। ये देखिए, काफ़ी हद तक सूख गए हैं ये, लेकिन अभी भी इन्हें जब हम हाथ से पकड़ेंगे तो देखेंगे कि ये अभी नरम है। हमें इन्हें बिल्कुल क्रिस्प होने तक भूनना है, तो इसे और हम रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक। बीच बीच में इसे हम यूं ही पैन में छोड़ भी देंगे 30-40 सेकेंड के लिए, और ये बिल्कुल रोस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 10 मिनट के करीब हो चुके हैं और ये बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। ये देखिए, इन गर्म पत्तों को ही हाथ से यूं दबाने पे ये बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छे से हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे चाहें तो हाथ से बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लीजिए, या फिर मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल करके इसका बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लीजिए। उसके बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे रख लीजिए, और ये 7 से 8 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, और आप जब भी चाहें यूज़। ये देखिए, ये मेरा पुदीने का पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम इससे आपको एक रायता बना के दिखाएंगे, जो बहुत इजीली बन जाता है झटपट से। उसके लिए बस आपको चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे से फेंटी हुई दही मैंने ले ली है। इसमें आप जो इंग्रेडिएंट्स डालते हो वो ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने काला नमक और जीरा पाउडर डाल दिया है, साथ में इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, और चीनी स्वाद के अनुसार आप जितना लेते हो वो डाल लीजिए, या नहीं डालते तो स्किप कर लीजिए। ये पुदीने का पाउडर डाल दीजिए, और बूंदी डालिए, या फिर आप प्याज टमाटर डालना चाहें वो डाल करके बना लीजिए। बिल्कुल रिफ्रेशिंग टेस्ट इसका, और बहुत झटपट एक टेस्टी आपकी रायता रेडी हो जाएगी बनकर। इस पुदीने के पाउडर का इस्तेमाल आप पूरी, पराठे में, किसी ग्रेवी में, सैंडविचेस में, रायते में, ड्रिंक्स में फ्रेश टेस्ट देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साल भर आपको पुदीना तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये हैंडी पुदीने का पाउडर आपके पास हर वक्त होगा। तो हमारा रेडी है रायता, बिल्कुल झटपट रायता, जिसे बनाने में हमें 5 मिनट का समय भी नहीं लगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी।